कुछ साल पश्चात दुष्यंत अपने परम मित्र इंद्र के पास से लौटते वक्त हेमकुट पर्वत के आश्रम में भरत को सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए देखते हैं और वहीं पर दुष्यंत का शकुंतला से मिलन होता है। अरे यह तो शकुंतला है, एक ही वेणी के लिए यह सदाचारिणी मुझ निष्ठुर के वियोग में लंबे विरह व्रत का पालन कर रही है। इसके पश्चात दुष्यंत शकुंतला व भरत का मिलन होता है। दुष्यंत शकुंतला सब ऋषि कश्यप से मिलते हैं। तब ऋषि कश्यप उन्हें शकुंतला को दुष्यंत द्वारा भूलने वाले कारण दुर्वासा ऋषि के श्राप की याद दिलाते हैं, जिससे दुष्यंत व शकुंतला अकारण त्याग व पश्चाताप को भूल अपने पुत्र भरत के साथ राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं।